कैब ड्राइवर को पीटने के बाद चर्चा में आई प्रियदर्शनी नारायण ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा कि उस वक्त तो मैं कंट्रोल में थी, वरना 22 की जगह 50 थप्पड़ भी लग सकते थे। प्रियदर्शनी ने दावा किया कि अगर कोई उसके पास जाता है तो वो उसे धक्का मारती और फिर थप्पड़ मारती। उन्होंने बताया कि एक बाइकर को मैंने बहुत मारा था। एक आदमी शराब पीकर आया और मुझे टच करना चाहा तो मैंने उसको थप्पड़ और धक्का मारा। कैब ड्राइवर को तो मैंने बहुत हाथ कंट्रोल करके मारा, वरना 22 की जगह 52 थप्पड़ लग सकते थे। खुद को बचाने के लिए मैं कुछ भी करती हूँ तो सही है। जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं पहले धक्का मारती हूँ और उसके बाद थप्पड़ मारती हूँ। प्रियदर्शनी ने बताया कि 30 जुलाई की रात घटनास्थल पर आर्मी वालों ने मुझे रोका। अच्छा किया, वरना चीज़ और भी ख़राब हो सकती थी। 22 की बजाय मैं 52 थप्पड़ भी मार देती। ड्राइवर अगर एक विकसित देश में होता तो आज टीवी पर नहीं आ पाता और ना ही घर में बैठा होता। प्रियदर्शनी ने बताया कि कैब ड्राइवर ने मुझे मारा, मेरी मॉब लिंचिंग की, कार से लोग बोतल तोड़ते हैं और मेरे सामने दिखाकर पीते हैं, कोई मेरे सामने शराब नहीं पी सकता। प्रियदर्शनी का कहना है कि धक्का या थप्पड़ मारना गलत हो सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। प्रियदर्शनी ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अपनी बात रखी है। उसका कहना है कि पुलिस ने सवाल जवाब किया, मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। मुझे गिरफ्तार किया गया होता तो मैं लाइव टीवी पर नहीं बैठी होती। मैं मांग करती हूं कि कुछ भी न लिखें। अगर सोशल मीडिया पर ये सब जारी रहा तो मैं साइबर सेल से मदद लूंगी। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखूंगी। ये जो मीम्स बना रहे हैं, ये घटना उनके साथ भी हो सकती है। आपको बता दें कि रविवार को प्रियदर्शनी से पुलिस ने 2 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी।